क्वेश्चन नंबर वन, विच वन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लीवर, किडनी, हार्ट, स्प्लीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन जो कि स्प्लीन के अंदर होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन नंबर टू, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम रिक्वायर, आयरन, नियासिन, कॉपर, जिंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जिंक इज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्टिवेट्स एड्रीनल कार्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रीनल मेडुला टू रिलीज एड्रीनालिन, पोस्टीरियर पिचुएट्री टू रिलीज वैसोप्रेसिन, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रिनिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट लूपाफेनल, अ डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अकर एंड इट एक्टिवेट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी टू रिलीज अ प्रोटीन नॉन एज रिनिन। क्वेश्चन नंबर फोर, सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ एरियोलर टिश्यू, बोन, लीगामेंट, कार्टिलेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर एज वेल एज नोज टिप। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, एरियोलर टिश्यू इज़ अ फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन मेमिलियन आई फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर हाई डेंसिटी ऑफ रॉड अकर, हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स अकर, द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ऑनली रॉड्स आर प्रेजेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इन फोविया High density of cones occurs while there is no rod at fovea. Question number 7. Human urine is usually acidic because excreted plasma protein are acidic, potassium and sodium exchange generally generates acidity, hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. None of these. Correct answer is option C. Hydrogen ion की active secretion की वजह से जो human urine है that becomes acidic. So correct answer is option C. Question number 8. What will happen if the cells of anterior horn of spinal cord are destroyed? Sensory impulses, commercial impulses, voluntary impulses are integrating impulses. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इफ द सेल्स ऑफ इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर डिस्ट्रॉयड देयर विल बी लॉस ऑफ वॉलंटरी मोटर इम्पल्सिस। क्वेश्चन नंबर 9, विच हारमोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन एंड इंसुलिन, कोलीसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोलीसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रीटिन दे आर पेप्टाइड हार्मोन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज लेस देन दैट इन ब्लड, less than that of carbon dioxide, equal to that in blood, more than that in blood. Correct answer is option D, the partial pressure of oxygen in the alveoli of lung is more than that in the blood because a gaseous exchange takes place in the alveoli which need higher partial pressure. Question number 11, name the ion responsible for unmasking of active sites for myosin for cross bridges activity during muscle contraction, sodium, potassium, calcium, magnesium. Correct answer is option C, actin के ऊपर active sites present होती हैं that are masked by tropomyosin, और जब ये calcium troponin के साथ bind करता है तो tropomyosin के अंदर conformational changes आती हैं
जिसकी वजह से एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स हैं वो अनमास्क हो जाती हैं और इस तरह एक्टिन और मायोसिन आपस में क्रॉस ब्रिजेस बना लेते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे अकर ड्यू टू ऑप्शन ए डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ह्यूमन डिसऑर्डर अफेक्टिंग मायोन्यूरल जंक्शन रिजल्ट इन फटीग हायर कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एस्ट्रोजन लेवल के डिक्रीज होने की वजह से स्पेशली फीमेल में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ अक्कर होती है। क्वेश्चन नंबर 13। सीरम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड इन लैकिंग ग्लोब्यूलिन लैकिंग एल्बुमिन लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर लैकिंग एंटीबॉडीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्लड हैव क्लॉटिंग फैक्टर वाइल दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट इन सीरम। क्वेश्चन नंबर 14। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन टिश्यू 10% 50% 20% 70%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। माल्ट दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू दे कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड दे आर टोटल 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन मेंबर ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टिप्स ऑफ एक्सॉन ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16। माइलन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई एस्ट्रोसाइट्स एंड शिवान सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट्स शिवान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। माइलन शीथ इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वाइल इन केस ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई शिवान सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस चीफ सेल गॉबलेट सेल म्यूकस सेल पेरिएटल सेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पेरिएटल सेल्स ऑफ स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन और ये गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को स्पीड अप कर देता है। एज अ रिजल्ट विटामिन B12 फिर एरिथ्रोपोइसिस को स्पीड अप करता है ड्यूरिंग विच बोन मैरो एक्टिवली प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिलिकोसिस फाइब्रोसिस एस्बेस्टोसिस एम्फीसीमा एंड माउंटेन सिकनेस एस्मा एंड एम्फीसीमा एस्मा एंड एड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सिलिकोसिस फाइब्रोसिस एंड एस्बेस्टोसिस दीज आर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर मोस्टली डस्ट पोल्यूशन की वजह से होती हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन एस्ट्राडियोल एक्डायोसोन एपिनेफ्रिन एस्ट्रायोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन एंड नार एपिनेफ्रिन दे आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। सिमिलरली थायरॉक्सिन जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है वो भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 20। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई स्मूथ मसल्स अटैच टू द आयरस लीगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी आर स्मूथ मसल्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी आर लीगामेंट्स अटैच टू द आयरस। तो ह्यूमन ट्रांसपेरेंट लेंस जो है दैट इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई सस्पेंसरी लीगामेंट्स दैट आर अटैच टू द सिलियरी बॉडी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन एस्मा एंड एम्फीसीमा रिस्पेक्टिवली इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस
एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस्मा के अंदर जो है वो ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि एम्फिसिमा के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कार्पस कुलेसम, मिडोला ओब्लंगेटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस इज़ द मेन सेंटर फॉर थर्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन? लो लेवल ऑफ डाईयूरेटिक यूरिन, मेंटेनिंग हाइपर ओस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द इंटरनल मेड्यूलरी इंटरस्टीटियम इन द किडनी, सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर कम्प्लेक्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनल मेडुलरी इंटरस्टीशियम के अंदर हाइपर ओस्मोलैरिटी की वजह से जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलाइसिस में रिजल्ट इन नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटाशियम आइंस, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आइन फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल किडनी के यूज़ से जो है वो कैल्शियम आयन की जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरियस इंजाइम, चीफ सेल, गॉबलेट सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स और ड्यूडनल सेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूसेस म्यूकस एज वेल एज बाइकार्बोनेट विच प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ वेरियस इंजाइम। क्वेश्चन नंबर 26, विद रिगार्ड्स टू इंसुलिन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मिच्योर इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाई डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर सी पेप्टाइड जो है वो एबसेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ईलियम ओपन्स इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ईलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम द ड्यूडेनम। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, ईलियम इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, QRS कम्प्लेक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ECG के अंदर जो QRS कम्प्लेक्स है दैट रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 29, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कॉन्ड्रोसाइट्स, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स, सिक्वामस एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 30, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन which is stimulating red blood cell formation is produced by cells of bone marrow, juxtaglomerular cells of kidney, alpha cells of pancreas, cells of rostral adenohypophysis. Correct answer is option B, kidney के जो juxtaglomerular cells हैं वो एक hormone produce करते हैं जिसको नाम देते हैं erythropoietin का,
and it stimulates RBC formation in bone marrow. Question number 31, which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen into fibrin? Thrombokinase, thrombin, renin, epinephrine. Correct answer is option B. Thrombin enzyme is responsible for conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrous protein known as fibrin. Question number 32. Person with AB blood group are called universal recipients. This is due to absence of antibodies anti-A and anti-B in the plasma, absence of antigen A and B in the plasma, or presence of antibodies anti-A and anti-B on the RBC, or absence of antigen A and B on the surface of RBC. So, iska correct answer hai option A. Blood group AB is called universal recipient because person have no anti-A and antibody B in the plasma. Question number 33. Sphincter of OD is present at junction of jejunum and duodenum, or junction of ileocecal junction, or junction of hepatopancreatic duct and duodenum, gastroesophageal junction. Correct answer is option C. Sphincter of OD is present at the junction of hepatopancreatic duct and duodenum. Question number 34. Succus entericus is also called as gastric juice, intestinal juice, bile juice, saliva. Correct answer is option C. Succus entericus is also known as intestinal juice. So correct answer hai iska option B. Question number 35. Which of the following statement wrongly represents the nature of smooth muscles? These muscles are present in the wall of blood vessels. These muscles have no striation. They are involuntary muscles. Communication among the cells is performed by intercalated disc. तो इसमें जो wrong statement है वो है option D. Intercalated disc जो है वो smooth muscles में नहीं जबकि cardiac muscles के अंदर present होती है और cardiac cells आपस में intercalated disc के through connected होते हैं ना के smooth muscles. So incorrect statement है option D. Question number 36. Which of the following is present between adjacent bones of vertebral column? Cartilage, areolar tissue, smooth muscles, intercalated disc. Correct answer is option A. Adjacent bones of vertebral columns are made up of intervertebral disc, which are consist of cartilage. Question number 37. Which of the following is not a connective tissue? Bone, blood, cartilage, epidermis. The simple correct answer hai option D. Epidermis is not a form of connective tissue. Question number 38. Which of the following function is not performed by secretions from the salivary gland? Option A. Control bacterial population in mouth. Digestion of disaccharides. Digestion of complex carbohydrates. Lubrication of oral cavity. तो इसमें जो correct answer बनता है वो है option B. Salivary gland से amylase enzyme produce होता है और ये amylase enzyme starch को maltose में convert करता है. Maltose एक disaccharide है. Maltose की जो digestion है या जो breakdown है वो maltase enzyme करता है जो कि salivary gland में present नहीं होता बल्कि small intestine से produce होता है. So correct answer है option B. Question number 39. Which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? It humidifies the inhaled air. Temperature of inhaled air is brought to the body temperature. Or it provides surface area for diffusion of O2 and CO2. Or it clears inhaled air from the foreign particle. तो इसमें जो correct answer है वो है option C. Respiratory system का जो conducting part है that is not involved in providing surface area for diffusion of oxygen and carbon dioxide क्योंकि gaseous exchange जो है वो conducting part का function नहीं है.
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. ऑप्शन बी, इट डिक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड. इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाई रीनल टिब्यूल. आर इट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. तो इसमें जो पैराथायराइड हार्मोन के इफेक्ट नहीं है, तो उनमें से ऑप्शन बी इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने की बजाय स्पीड अप करता है, उसको बढ़ाता है ब्लड के अंदर. और इसी तरह से कैल्शियम की जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से कैल्शियम आयन की जो एब्जॉर्प्शन है पैराथायराइड हार्मोन उसको भी स्पीड अप करता है, ना कि डिक्रीज करता है. तो ऑप्शन बी और डी ये दोनों पैराथायराइड हार्मोन के इफ़ेक्ट नहीं हैं.